हाय फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो बहुत ही छोटे होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये फल इस प्रकार से देख लीजिए, इसे हनुमान फल के नाम से जाना जाता है। इसे कई जगह लक्ष्मण फल भी कहते हैं। हमने अपने पहले वाले वीडियो में आप सभी को सीता फल के फायदे बताए थे, राम फल के फायदे बताए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, यह है हनुमान फल। इसका मैं आप लोगों को प्राकृतिक उपचार करना सिखाऊंगा। इसका खाने से हमें क्या फायदा मिल सकते हैं, इसके जूस पीने से हमारे शरीर को क्या फायदा मिलते हैं, आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। 2 से 2.5 मिनट की वीडियो बनने वाली, बहुत ही छोटी वीडियो है, तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती। अभी नहीं तो बाद में चल करके इस प्रकार की जानकारी आपको काम आ सकती है। जानकारी हमेशा यूजफुल होती है, फायदेमंद ही साबित होती है। तो किडनी और लीवर संबंधी परेशानी से जो लोग जूझ रहे हैं, हनुमान फल खाने से किडनी और लीवर संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान फल खाने से डायबिटीज़ में भी काफ़ी आराम मिलता है, इन्फेक्शन को ये दूर करता है दोस्तों, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सूजन को भी आराम करता है। जी हाँ, हनुमान फल को पीस करके थोड़ा सा गुनगुना करके लगाने से सूजन भी ठीक हो जाता है, कैंसर से बचाता है। हनुमान फल खाने से ये पाया गया है कि कैंसर के जो सेल्स बनते हैं हमारे कोशिकाओं में, उसे खत्म करने का काम करते हैं। तो ये कैंसर से हमें बचाता है, आंखों की रोशनी को काफ़ी बढ़ा देता है, बाज की तरह हमारे शरीर से ये जो है हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ा देता है, पेट को स्वस्थ रखता है। इसका कुछ ही फायदा बता रहा हूँ, विस्तार से नहीं बता रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 मिनट की वीडियो बनने वाली है। तो पेट को स्वस्थ रखता है, जिन लोगों को खाना खाने के बाद पचता नहीं है, डाइजेशन एकदम वीक है, इनडाइजेशन है, पचता नहीं है, तो खाना खाने के बाद एक हनुमान फल खा करके देखिए, खाना खाने के बाद पछता है, उसे जल्दी से पचा देते हैं। देखिए, ये जानकारी आप स्वयं नहीं करना चाहते, दूसरे को बता सकते हैं, या जानकारी कम से कम आप सीख सकते हैं। जानकारी जो होती है बाद में काम आ सकती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यानी कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर की कमजोरी के कारण ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बुखार से भी हनुमान फल खाने से काफी आराम दिलाता है। हाइपरटेंशन को यह दूर करता है। हाइपरटेंशन आप सभी को पता है काफी गंभीर बीमारी, गठिया से भी काफी आराम दिलाता है, त्वचा के लिए काफी लाभकारी होता है दोस्तों, बालों के लिए भी लाभकारी होता है। हनुमान फल को पीस करके बालों पर लगाने से बालों के जो रूसिया है, बालों में छोटे छोटे समस्या आ जाती है, बाल का झड़ना है, बालों में कहा जाए रूसी आ गए हैं, डेंडअप आ गए, वह ठीक हो जाते हैं। तो ये थे छोटी सी जानकारी हनुमान फल की। कभी इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, किस बीमारी में किस प्रकार के इसके कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना, और अगर कोई भी आप इसके औषधि प्रयोग जानते हैं हनुमान फल के, तो हमें जरूर बताना। इस प्रकार से होता है हनुमान फल, देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।